पुरुष या संत महात्मा जाता तो बगैर रावण के आदेश से रावण के राज्य में कोई कदम नहीं रखता। एक बार सप्तऋषि जा पहुंचे। सप्तऋषि जब पहुंचे तो रावण ने पूछा, है सप्तऋषियों, कहा तुम किसके आदेश से आए हो? कहा मैंने आदेश किसी का नहीं लिया। तो फिर क्यों आए? जवाब दिया, लौट जाओ। नहीं लौट रहा तो हमें कर चाहिए। कहा कर? हाँ कर तुम्हें दूं, कल हमें कर चाहिए। रावण कह रहा, भैया मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो कहा कुछ भी नहीं तो ऐसा करो, आप हमें एक एक बूंद खून दे दो, एक एक बूंद हमें खून दे दो। ऋषियों ने उंगली चीरी, एक एक बूंद खून दिया। वो खून घड़े में भर के अपनी स्त्री मंदोदरी से कह दिया, देखो इसे पी मत लेना, इसमें पीस है। जब ये बात कही, इतना कह के रावण तपस्या करने चला गया। रावण जब तपस्या करने पहुंचा भैया, रावण जब तपस्या करने पहुंचा वहां पर देखा रावण के पूर्वज तपस्या कर रहे, जिनका नाम है रघु। रघु की समाधि खुल गई, रघु जलपान कर रहे बैठे। वहां पर जब देखा एक शेर चला रहा, वो शेर दहाड़ दे रहा, किस लिए? एक गाय है, उसी गाय का एक बछड़ा भी है। गाय अपने बच्चे अपने बछड़े को दूध पिलाना चाहती, लेकिन शेर दहाड़ दे रहा, अरे गाय मैं तुझे खा जाऊंगा। गाय कह रही, भैया शेर हमें तू खा ले, तू शौक से खा ले, पहले अपने पुत्र को दूध पिला दू तब तू खा ले। शेर कह रहा, नहीं गाय मैं तुझे पहले ही खाऊंगा। रघु ने यह दृश्य देखा, शेर मान नहीं रहा। गाय कह रही, पहले पुत्र को दूध पिला दू तू बाद में खा ले, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा शेर। रघु ने कमंडल से जल लिया, पढ़कर के मंत्र चलाया, एक छींटा मार दिया, शेर मर गया। शेर जब मर गया, ये दृश्य रावण देख रहा, और रघु इतना बलवान इतना ताकतवर, एक छींटा से इसने शेर मार दिया। अब ऐसा करूं तू, ए रघु, हाँ हम तुमसे युद्ध करेंगे। रघु ने कहा, भैया लड़ने वाला कोई दूसरा ढूंढ लो, हम नहीं लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ोगे तो जबरदस्ती लड़ूंगा। रघु ने कहा, तो समर जा रावण, पहले तू ही बाण चला। रावण बाण पर बाण छोड़ रहा, रघु के कोई बाण लग नहीं रहा, पास तक नहीं आ रहा। रघु ने कहा, रावण समर जाओ, मेरा भी नंबर आ गया। रघु ने एक बाण मार दिया, एक बाण से 31 बाण बन गए। 31 बाण जब हो गए, रावण देख रहा कि बाण ऊपर आ रहे हैं, भाग खड़ा हुआ। भागते 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 रावण कहां पहुंचा? जहां पर अटा पर लंका में मंदोदरी खड़ी थी। मंदोदरी की साड़ी में रावण लुकने लगा, रघु के पवित्र बाण वहीं पर रुक गए। और एक कमीन रावण, हम समझ रहे तू बहुत बड़ा ताकतवर, जब तेरे ऊपर संकट आया तब तूने एक स्त्री का सहारा लिया, जा ये रघु के पवित्र बाण तेरे पर हमला नहीं करेंगे। बाण वो लौट आए हैं भक्तों। जब बाण वापस आ गए, रावण वहीं पर रुक गया। देखा मैं था नहीं, मंदोदरी के उधर में गर्भ पल्ला। रावण ने पूछा, ये सब क्या है? मंदोदरी ने कहा, स्वामी विष समझकर मैंने पी लिया, ऋषियों का रक्त, इसीलिए गर्भ ठहर गया। तो कहा ठीक है, मेरी गर्जना से गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने गर्जना की, इतनी आवाज की वो गर्भ स्खलित हुआ, कच्चा गर्भ घड़े में भर के कहां गड़वा दिया? मिथिलापुरी में गड़वा दिया। भीषण अकाल पड़ा है, 12 वर्ष गुजर गई, जल नहीं बरसा। और जब जल नहीं बरसा तब ज्योतिषियों से पूछा है, जनक जी ने जल कब बरसेगा? कहा महाराज जनक जी, आपकी स्त्री का नाम है सुनैना। सुनैना सुलोचना दोनों सगी बहनें थीं, जिनका जन्म हुआ है शेष नाग के आंसुओं से।
भैया शेष नाग के आंसुओं से जिनका जन्म हुआ है। जनक जी ने कहा महाराज मैंने सभी कुछ किया, जल नहीं बरसा। कहा सुनैना और जनक दोनों मिलकर हल चलाए तब जल बरसेगा। जनक सुनैना ने हल चलाया बेटा कि हल चलते चलते उसी समय तो बस एक जगह पर टकराया। टकरा गई, खोला जब बाहर वो घड़ा, उस घड़े में कन्या ज्योति के समान प्रकाश फैला रही। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी जब आए हैं तब उस लड़की का नामोकरण संस्कार किया है, उसी का नाम रखा है सीता। जनक नंदनी वैदेही मिथिलेश कुमार जनक नंदनी, ये सब नाम किसने रखे? यानी नारद जी ने, देव ऋषि नारद जी ने नामकरण संस्कार किया है। भैया नामकरण संस्कार हो जाने के बाद वहां जैसे अयोध्या में चहल पहल, वैसे महाराज जनक जी बड़े प्रसन्न चित हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। आइए भगवान का संग